हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग चेक करते हैं ये गाड़ी का सेल्फ क्यों नहीं काम कर रहा बीच बीच में। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये प्लेजर गाड़ी है, सेल्फ का जो प्रॉब्लम है अभी हम लोग चाबी ऑन करके चेक करेंगे। प्लेजर गाड़ी है, चाबी हम लोग अभी ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद ब्रेक प्रेस करके स्टार्ट करने से स्टार्ट नहीं होगा। देख सकते हैं रिले का टिक टिक साउंड आ रहा है। जैसे कि अभी सेल्फ फंस गया, हम लोग देख पा रहे हैं गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा। जैसे कि अभी हम लोग देख रहे थे, जैसे गाड़ी का सेल्फ का फंस गया और सेल्फ घूमने लगा। चाबी ऑफ करने के बाद भी सेल्फ घूम रहा था, हम लोग चाबी ऑफ कर दिए थे उसके बाद भी सेल्फ घूम रहा था। तो इससे पता चल रहा है कि इसका जो रिले है, रिले शॉर्ट हो गया है। फिर भी हम लोग खोल के चेक करेंगे रिले शॉर्ट है कि नहीं है, इसीलिए बीच बीच में सेल्फ लेता नहीं है। जैसे अभी भी सेल्फ नहीं लेगा, सेल्फ लिया है अभी, देखिए कट कट साउंड आ रहा है। तो इसका मतलब पता चल गया कि सेल्फ रिले शॉर्ट है। फिर भी खोल के हम लोग चेक करेंगे। उसके लिए खोलने के लिए हम लोगों को चाहिए स्क्रू ड्राइवर, जो कि प्लस वाला है। हम लोग इधर एक स्क्रू है और इधर दो स्क्रू है, इस साइड का वो यही है। और फिर हम लोग का ये नीचे स्क्रू एक ठो है इधर, इसको भी खोलना है। अभी हम लोग का ये जो स्क्रू है, सब स्क्रू अनस्क्रू कर लिए, तो हम लोग का वाइजर निकल जाएगा। अभी वाइजर निकलने के बाद आप लोगों को ये इंडिकेटर का, दोनों इंडिकेटर का लाइन खोलना है। इंडिकेटर का जो कनेक्टर है उसको से प्रेस करने के बाद पीछे ढकलने से निकल जाएगा। कनेक्टर को ऐसे प्रेस करके जैसे आउट करने से निकल आएगा कनेक्टर। जैसे हम लोग का वाइजर निकल गया, अभी हम लोग रिले चेक करना है कौन सा रिले है। बैटरी तो जैसे मेरा नया बैटरी लगा हुआ है। अभी चाबी को ऑन करेंगे, आप लोग ये भी चेक कीजिए ब्रेक लाइट को भी। ग्लो कर रहा है ना, सेल्फ लिया। जैसे कि अभी सेल्फ ब्रेक कर रहा है, सामने सुन पा रहे होंगे। जैसे कि अभी साउंड इधर से ही आ रहा है, इधर कहीं से। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हम लोग का रिले है, सेल्फ स्टार्टर रिले। तो इसको ऊपर करने से क्लिप से निकलेगा, ये जो क्लिप में लगा रहता है ये खींचने से निकल आता है। तो ये रबर पैकिंग रहता है, रबर पैकिंग निकाल देंगे। देख पा रहे हैं इस पर दोनों मोटा तार रहेगा, रेड कलर के, डायरेक्ट बैटरी से आता है और एक तो स्टार्टर का आपका मोटर में लगा रहता है। फिर इसको शॉर्ट करके देखेंगे कि हम लोग का रिले ख़राब है कि। जैसे कि आप लोग पहले देखे थे रिले में से स्टार्ट करने से टिक टिक साउंड आ रहा था, स्टार्ट नहीं हो रहा था। फिर जब स्टार्ट हो रहा था चाबी बंद करने से भी सेल्फ चालू रहता था। ये रिले को निकालने के लिए हम लोग को इसका दोनों साइड में दो लॉक रहता है, इधर एक तो, दूसरा एक तो इधर रहता है जो कि मेरा नहीं है, एक तो है। तो ये लॉक को हम लोग को हल्का स्क्रू ड्राइवर से ये करके फिर इसको खींचना है तो ये निकल आएगा। जैसे कि हम लोग का ये रिले निकल गया है, तो अभी हम लोग इसको शॉर्ट करके देखेंगे। शॉर्ट करने के लिए चाबी को ऑन में डाल देते हैं, ऑन, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट करने के लिए बड़ा पिन दोनों को शॉर्ट करना है, बड़ा पिन जिसमें मोटा वाला रेड तार है, रेड वाइट और एक तो प्योर रेड। तो ये जो भी तार से शॉर्ट करें ये अच्छा वाला तार हो, नहीं तो तार पिघल जाएगा। एक पिन में लग गया है, चाबी तो हम लोग ऑन है, स्टार्ट होगा गाड़ी। अभी देखिए स्पार्क हुआ, स्टार्ट हो गया गाड़ी। फिर और एक बार ट्राई करके देखते हैं। हम लोग उस टाइम सेल्फ नहीं ले रहा था, इसलिए रिले का शॉर्ट हुआ उसी कारण से।
एक ही बार में ही सेल्फ ले रहा है। तो अभी हम लोग रिले डाल के इसको फिटिंग करके आपको दिखाते हैं। अभी हम लोग का नया रिले जो है उसको फिक्स कर लिए, डाल दिए, कनेक्ट कर लिए। जैसे कि देख पा रहे हैं ये नया रिले है और ये हम लोग का पुराना वाला रिले है। जैसे कि हम लोग का नया रिले फिक्स हो गया है और उसका रबर पैकिंग भी हम लोग लगा लिए और खाली विभाजर फिटिंग करना है। उससे पहले आप लोगों को चेक करके बता देंगे स्टार्ट कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है। जैसे कि अभी चाबी ऑन कर लिए, सेल्फ मार के देखेंगे, ब्रेक प्रेस करके एक ही सेल्फ में स्टार्ट हो रहा है। आपको तीन ट्राय दिखाएंगे, फिर देखिए स्टार्ट हो गया गाड़ी। साउंड भी चेक कीजिए, फिर अभी स्टार्ट करके दिखाएंगे। की ऑन करेंगे, पहले गाड़ी स्टार्ट हो रहा है। रिले का ही प्रॉब्लम था और जब भी आपका सेल्फ काम ना करे ये तो सेल्फ स्लो हो जाए तो आप लोग पहले रिले चेक कीजिए। रिले का ही बार बार प्रॉब्लम आता है, ज़्यादातर पानी लगने से रिले शॉर्ट हो जाता है तो उसको रिप्लेस करना होता है। ये हम लोग रिले लेके आए हैं हीरो जेन्युइन पार्ट का, जो 110 रुपये का लिखा हुआ है, 105 गिरा, जेन्युइन स्टोर से लाने से, और डुप्लीकेट भी आप लोग को मिलेगा मार्केट में। अभी फिक्स करके आपको दिखाते हैं। मैंने सारा स्क्रू अभी टाइट कर लिया हूँ और ये जो फ्रंट वाइजर है उसको भी फिक्स कर लिए। जो आप लोगों का पहले जो दिक्कत रहता है सेल्फ का, जैसे कि सेल्फ लेता नहीं है, बीच बीच में सेल्फ लेता है, सेल्फ बीच बीच में छोड़ लेता है, ऐसे दिक्कत होता है, सेल्फ बार बार ब्रेक करके सेल्फ लेता है, तो आप लोग पहले सेल्फ का रिले चेक कीजिए। ज़्यादातर ये सेल्फ रिले ही पानी, बारिश का सीज़न पानी आ जाता है, पानी लग जाता है तो शॉर्ट हो जाता है। और आप हो सके तो आपके पास एक तो स्पेयर रिले भी रखिए, जो कि स्पेयर रिले बीच बीच में ये शॉर्ट हो जाता है। जैसे अभी हम लोग का शॉर्ट हो जाता है, पहले स्टार्टिंग में आप लोग देखे सेल्फ, हम चाबी बंद करने के बाद भी वो सेल्फ चालू था पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा था, सेल्फ चालू होके रह जा रहा था, क्योंकि ये जो पॉइंट दोनों है रिले का, ये जो दोनों पॉइंट है ये दोनों शॉर्ट हो जा रहा था अंदर से, पानी जाने के कारण से ये ख़राब हो गया है। अभी ये रिले नया है तो गाड़ी आराम से स्टार्ट हो रहा है। पहले इसका दिक्कत हो रहा था, स्टार्ट नहीं हो रहा था, तो पहले ही आप सेल्फ रिले चेक करें। ये सब ज़्यादातर एक्टिवा प्लेजर, हीरो मेस्ट्रो, हीरो डुएट, तो सेम प्रॉब्लम आएगा। और जब भी आपका वैसे सेल्फ का रिले शॉर्ट हो जाए और ऑटोमेटिक सेल्फ काम करने लगे, चाबी बंद करने के बाद भी सेल्फ काम करे, तो आप क्या कीजिए, वो जो सेल्फ का रिले है उसके ऊपर आपका स्क्रू ड्राइवर से थोड़ा ठोक दीजिए ज़ोर से, तो ऑटोमेटिक शॉर्ट जो होगा वो छूट जाएगा, फिर और रिले को चेंज कर दीजिए, वरना जो शॉर्ट होकर रह जाएगा तो आपका स्टार्टर मोटर जल सकता है। हेलमेट में कैसा लग रहा है, हम लोग का हेलमेट में। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल रिसिस जुगाड़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उसके साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। ऐसे ही हम लोग का चैनल को सब्सक्राइब करें और जिन लोग नए हैं हम लोग के चैनल पर उन लोग भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें रेगुलर वीडियो देखने के लिए। और ऐसे ही वीडियो हम लोग के चैनल पर अपलोड होते रहेगा। थैंक यू।